अंतिम चक्र शेष है और यही विशेष है। चंद पंक्तियां भारत माँ के पावन चरणों में कैसे, इसके पश्चात अपनी ओर से भिवानी को विश्राम दिया जाएगा। श्रीमान नहीं होने देंगे, क्या बात है, मर जाए भले ही भारत माँ का अपमान नहीं होने देंगे, इस हरी भरी धरती को हम शमशान नहीं होने देंगे, हम खंड खंड हो जाएंगे पर हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, हम खंड खंड हो जाएंगे लेकिन अपने वतन को अब फटने नहीं देंगे, नहीं देंगे। सुने, सीमा पर एक फौजी तैनात है, कुछ अरसे के लिए घर आया, अपने परिवार में अपनी माँ और पिता से मिला, बहन से, भाई से, सभी से मिलता है, पत्नी से मिलता है, और कुछ ही दिन बाद पुनः सीमा पर से संदेश आता है कि युद्ध छिड़ गया है, तुम्हारी आवश्यकता है भारत माँ को। कहना हुआ क्या, माता को नाम मस्तक सौ जन्म प्रणाम, माता को, माता को समर्पित सर जितने उतने ना भाग्य विधाता को, धाता के नयन माता के चरण ताकों तो बैरिन को ताकों तो सुरन के भाल झुके, धन्य धन्य भारत माता को। धुन बजी कौन से, हेलो हेलो, अरे दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने, चाहो में तेरी तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राहों में तेरी, अब तो चलिया एक बार, अब तो चलिया एक बार, आजा आजा तुझको पुकारे तेरा प्यार दे, क्या तुझको पुकारे तेरा प्यार, आजा तुझको पुकारे तेरा।
आदरणीय साहू दादा जी को प्रणाम है। शाम से सुबह हो गई और हम नाचीजों को सुन रहे हैं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत कुछ प्रणाम कर रहा हूं, सुनिएगा। जब सीमा पर फौजी जाने लगा तो उसकी माँ कहती है, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आज भारत माता को तेरी आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए के माता ने माँ की माता ने माँ की ममता लुटाई, ममता लुटाई। सुनिएगा, माता ने माँ की ममता लुटाई, ममता लुटाई। बाहों के झूले में अपने पुत्र को पुचकारती हुई कहती है, बेटा के बाहों के झूले में झूला झुलाई सदा, झूला झुलाई। लेकिन आज जब भारत माँ के ऊपर संकट पड़ा है, तब मनोज सैलानी कह रहा है क्या क्या, किसी माँ से आया संदेश रे, सीमा से आया संदेश रे, के आजा के जा तुझको पुकारे तेरा देश रे, सीमा से आया संदेश रे, तुझको पुकारे तेरा देश रे, सीमा से विदा करते वक्त पिता के आंखों में आंसू छलक रहे। पिता कहता है, बेटा माँ ने सदैव अपने कमर पर बैठा करके घुमाया तुझे, लेकिन मैंने अपने कांधे पर बैठा कर घुमाया। आज आंसू छलक रहे हैं आंखों से, लेकिन फिर भी गर्व है। गर्व इसलिए है कि भारत माँ की रक्षा के लिए बेटा जा रहा है। इसलिए कहना है क्या, के उंगली पकड़ के जी कहते हैं क्या, उंगली पकड़ के चलना सिखाया तुझे, चलना सिखाया, और कंधे पे तुझको, कंधे पे तुझको हमेशा उठाया बेटा, हमेशा उठाया, कंधे पे तुझको हमेशा उठाया बेटा, सर पर हाथ फेरते हुए बेटा के पिता बोलता है, पुत्र जा कर नाम विशेष रे, और वो और कोई नहीं इसी लखनऊ शहर की हस्ती मनोज पांडे था। वाह, मनोज पांडे के विषय में बता रहा हूं। कहते हैं करना नाम विशेष रे, के बेटा तुझको पुकारे तेरा देश रे, तुझको पुकारे तेरा देश।
इसके बाद आंगन में खड़ी बहन शिशक रही है। क्या बहन शिशक रही है भैया के लिए कि आज राखी का पर्व है भैया, और आप सीमा पर जा रहे हैं, है तो मेरे लिए गर्व की बात, लेकिन लेकिन कहती बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए कहती है, कहती है राखी भैया, के कहती है राखी, कहती है राखी करचे लाज न राखी, लाज न राखी, कहती है बहन के राखी राखी तुम समझना मेरी, राखी तुम समझना मेरी, चिता की ये राखी, चिता की ये राखी, बहन कहती है कहते हैं भाई बहना की प्रेम भरी सुंदर पहचान ये राखी है। क्या बात है, भाई बहना की प्रेम भरी सुंदर पहचान ये राखी है, अरे भाई की कलाई में बंध कर बनती सम्मान ये राखी है, बनती सम्मान ये राखी है, बनती सम्मान ये राखी है, राखी की आन जिसने राखी वह तो विद्वान की राखी है, अरे राखी की आन जिसने राखी वह तो विद्वान की राखी है, वरना ये राखी क्या राखी, ये तो शमशान की राखी है, ये तो शमशान की राखी है, ये तो शमशान की राखी है, जिस राखी पर तन मन अर्पण, कहती बहन जिस राखी पर तन मन अर्पण वह तो अरमान की राखी है, और अरे भाई बहना की प्रेम भरी सुंदर पहचान ये राखी है, सुंदर पहचान ये राखी है, सुंदर पहचान ये राखी है, भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हुए बहन माथे पर टीका कर रही है और कहती है जा भाई भारत माता के लिए, कहती है क्या जाकर क्यों जाके, अरे जाके गृह में तुम प्रवेश रे करो, जाके गृह में प्रवेश रे, के भैया हे भैया तुमको पुकारे तेरा देश रे, तुमको पुकारे तेरा देश और देख लीजिए एक बात और कह रहा हूं, कैसे पत्नी एक फौजी की पत्नी अपने पति के लिए कह रही है, क्या विदा करते वक्त दुख तो है किंतु बड़ा गर्व है उसे कि मेरा पति देश के काम आने जा रहा है, कहना है के प्रियतम पराग हो तुम मेरा सुहाग हो, तुम मेरा सुहाग